बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसके टोटल 17 वीडियोस हमने अब तक देख लिए। जस्ट लास्ट वाले वीडियो में हमने 2.3 प्रश्नमाला का पहला प्रश्न किया था, आपके समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है? तो ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके फिर वीडियो देखना, बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 2, वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर याद कीजिए। बच्चों यहाँ पे हमारे को 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके प्रांत और परिसर। बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल है ना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिए। बताओ प्रांत क्या होता है, बट डायरेक्ट हमें प्रांत और परिसर निकालना है ना। प्रांत क्या होता है, एक्स के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित है। तो बच्चों मोड एक्स के लिए अपन ने थोड़ी देर पहले जब इससे जस्ट लास्ट वाले वीडियो में वीडियो नंबर 16 आप देखना, उसे फलन व उनके आलेख उनके ग्राफ अपन ने बनाए थे। तो मॉड्यूलस फंक्शन का भी अपन ने बनाया था ना, मापांक फलन का भी अपन ने बनाया था, वहाँ पर प्रांत परिसर सब निकाले थे। लेकिन यहाँ पर इसने थोड़ी चालाकी कर दी, माइनस का साइन पहले लगा दिया, ठीक है? तो अभी देख लेते हैं क्या हो गया, बहुत आसान है। अच्छा, क्या यहाँ पर x के सभी मान संभव है? क्या किसी मान के लिए, मेरे से बात करो मन में, खुद ही सोचो बच्चों, सोचना सीखो। क्या कोई ऐसा मान है जिसके लिए फलन अपरिभाषित हो? x का कोई ऐसा मान यहाँ पर रखें और फलन अपरिभाषित हो जाए? सर ऐसा तो कोई मान नहीं है, सबके लिए परिभाषित हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डोमेन यानी कि इसका प्रांत वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। यानी कि हम इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि लगा के ऐसे ब्रैकेट में चूंकि, यहां हम देख सकते हैं कि x के सभी मानों के लिए फलन परिभाषित होगा, ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए फलन अपरिभाषित हो। पूरा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है ऐसे, है ना, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। जो भी आप जैसे मान लो आपने r कैसे लिखा, वास्तविक संख्या अपन ने कैसे लिखी बच्चों, क्या सोच के लिखी अपन ने, इससे पहले बातें की ना कि x का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए फलन है परिभाषित हो, तो लिख दो ना उसको, क्या फर्क पड़ रहा है, जो सोच रहे हो लिख दो वहां पे, अपनी भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई बुकिश लैंग्वेज में अपने आंसर नहीं देना। अच्छा परिसर की बात करते हैं, ठीक है? अच्छा मोड एक्स के बारे में तो तुम जानते हो ना, मोड एक्स क्या होता है? देखो जैसे मोड एक्स की अपन बात करते हैं, तो मैंने पहले तुम्हें पढ़ा दिया बच्चों, इसको ब्रेक करते हैं, एक्स जब एक्स, इसका मान एक्स कब होगा, जब जीरो जीरो से बड़ा होगा, और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स का मान छोटा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे पहले से इसने माइनस लगा दिया, पहले से बच्चों को लगा दिया माइनस का साइन लगा दिया, यानी कि एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू तुम डालो पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगी, लेकिन वापस ये माइनस का साइन उसको नेगेटिव कर देगा। बोलो हाँ, है ना, कर देगा नहीं कर देगा, कर देगा ना। अच्छा तो सर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो दुनिया की, कोई भी वास्तविक मान रखो, कोई भी वास्तविक संख्या रखो, तो नेगेटिव हो ही जाएगी। अच्छा अगर मैं जीरो रखूँ, तो बच्चों माइनस का जीरो जीरो होता है, यानी कि जीरो तो आएगा आएगा, यानी कि जीरो और जीरो से बड़ा नंबर, जीरो से बड़ा नंबर यहाँ पे आ ही नहीं सकता, यानी कि परिसर में बच्चों क्या आएगा, वाई, जहाँ वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो और जीरो से छोटा, एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि y वास्तविक संख्या होगी। यहाँ आप जनरल लैंग्वेज में आप ऐसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि डायरेक्ट लिख दो जीरो तथा जीरो से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं, खत्म, इसमें भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। चलो 9 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट, और बच्चों एक बार बताओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लो आप, है ना, कोई भी नंबर लो एक्स स्क्वायर बराबर 25 ले लेते हैं। अब बचपन से तो वो पता है ना, देखो कुछ बच्चों का ऐसे पता होता है कि रूट 25 का मान प्लस माइनस 5, ये बिल्कुल गलत है। रूट 25 का आंसर आएगा केवल प्लस 5। इन मैथमेटिक्स एनी स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, दुनिया में कभी कोई वर्गमूल ऋणात्मक आंसर प्रोड्यूस नहीं करता, है ना, किसी भी वर्गमूल का ऋणात्मक आंसर संभव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा है ना, तो फिर हम क्या बोलेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 25, अब इसका प्लस माइनस 5 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस के 5 का स्क्वायर करो तो भी 5, तो भी 25, और 5 का स्क्वायर करो तो भी 25, लेकिन अगर ऐसा है तो केवल प्लस 5 आंसर आएगा। बात समझ में आ रही क्या तुम्हारे को, ये बात समझ में आई क्या, बात को समझना बच्चों। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4 बोलूं तो प्लस माइनस 2 आंसर बोल देना, लेकिन अंडर रूट 4 बोलूं तो केवल 2 आंसर आएगा, है ना। कुछ बच्चों को क्या लगता होगा कि सर मान लो 25 है, देखो मैं गलत करके दिखा रहा हूँ ना, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, तो सर माइनस के 5 का स्क्वायर कर दो और स्क्वायर से कैंसिल कर दो तो माइनस 5 आ गया, तो गलत, ऐसा काट ही नहीं सकते अपन। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, ध्यान से देखो, माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये इस समय काट नहीं सकता, ये काटना बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे, अब एक बात बिल्कुल ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर,
अंडर रूट लगा दो। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ, वीडियो पॉज करके बताओ फटाफट से। अब अधिकतर बच्चे बोलेंगे सर दो से एक बटा दो पावर काट दो, घात काट दो, ए माइनस बी आंसर आ गया। गलत, इसको काट ही नहीं सकते, क्वेश्चन गलत है, कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर आएगा इसका। तब तक ये कंडीशन गिवन नहीं हो, अगर ये कंडीशन गिवन है अब आप काट दो। मतलब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल करते समय क्या देखना होता है कि जो अंदर जो नंबर बच रहा है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी कि ऋणेतर संख्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो ही अपन काट सकते हैं, वरना नहीं काट सकते। यानी कि बात को समझो बच्चों, 3-4 के होल स्क्वायर से ये मैं कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 4-3 का होल स्क्वायर। अब काट दो, अब तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, है ना, बात समझ में आ रही है। जैसे देखो एक प्रश्न लेते हैं छोटा सा, x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा है, x का मान 1 से बड़ा 3 से छोटा है, और हमारा प्रश्न x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इमोशनल हो जाएंगे, इसको काट देंगे फटाफट से, जबकि काटते तुम भी कट जाओगे, एग्जाम में ध्यान रखना। यहाँ पे देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करते समय बच्चों प्लस का साइन हो तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे देखो कि x 1 से बड़ा है क्या एक से बड़ा है क्या, है तो काट दो, दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं पाएगी। यहां पर देखो बच्चों एक्स 3 से छोटा है क्या, एक्स 3 से बड़ा है क्या, या बराबर है क्या, नहीं है ना, नहीं काट सकते। एक्स 3 से छोटा है तो सर ये तो बिल्कुल ही नहीं काट सकते, तो फिर एक काम करते हैं सर, हमें पता है इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं 3-x का होल स्क्वायर, ये लो अब आंसर आ गया 2। तो कुल मिला के गणित समझ में आ गई। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कभी कोई वर्गमूल का आंसर ऋणात्मक नहीं आता, हमेशा लड़ लेना कहीं भी भिड़ लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, अड़िग रहना। रूट 25 केवल प्लस 5 होगा, प्लस माइनस 5 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो फिर प्लस माइनस 5 बोलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सही रखो तो पढ़ाने में मेरे को मजा आएगा और तुम्हारे को पढ़ने में मजा आएगा। इसको तुम्हें क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो। एक सेकेंड बच्चों, ये मिटने में नाटक कर रहा है, इसको अपन अलग से रफ करना पड़ेगा, इसको कर दिया मैंने। अब अपन अपने प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। डोमेन प्रांत, बच्चों प्रांत क्या होता है, एक्स के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित होता है। बच्चों अंडर रूट के लिए क्या कहते हैं, देखो जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है ना, है ना, कोई भी अंडर रूट, जैसे मान लो अंडर रूट एक्स है, तो एक्स का मान जीरो और जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी ये डिफाइन है, तभी ये परिभाषित है। अगर मान लो एक्स की वैल्यू मैं माइनस का 1 ले लूँ तो हम पढ़ेंगे तुम्हारी पांचवी प्रश्नावली आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बताया था कि रियल नंबर के भी ऊपर पिताजी होते हैं, वास्तविक संख्याएं है। जब किसी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो आयोटा, काल्पनिक संख्या बोलते हैं इसका, है ना, इसका अस्तित्व नहीं है, ये अस्तित्व में बच्चों नहीं होता, यानी कि फलन इसके लिए परिभाषित नहीं होगा, है ना। तो कोई भी अंडर रूट वर्गमूल फलन हमेशा कब परिभाषित होता है, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो और जीरो से बड़ा, उसके लिए परिभाषित होता है। अब ध्यान से देखना, तो हम क्या बोलेंगे, यह फलन परिभाषित कब होगा बच्चों, है ना, ये फलन परिभाषित कब होगा, जब 9-x² ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इन सभी मानों के लिए फलन परिभाषित होगा। अब आओ उसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो बच्चों x² - 9, असमीका में जब दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं और दोनों तरफ व्युत्क्रमानुपाती करते हैं, उल्टा करते हैं, है ना, दोनों तरफ व्युत्क्रम लेते हैं, है ना, तो बच्चों क्या होता है, साइन चेंज होता है। अरे यार बिल्कुल छोटी सी बात, 4-3 से बड़ा है, लेकिन -4 -3 -4 छोटा होगा, 1/4 1/3 ये भी छोटा होगा, यानी कि इसको असमीका बोलते हैं। असमीका का साइन केवल दो कंडीशन पे चेंज होता है, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, दोनों तरफ उल्टा करने पर। इस बात को ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना इसको, छोटी छोटी बातें हैं ये, जहां जहां समस्या आती जाएगी मैं तुम्हें हैंड टू हैंड समझाता जाऊंगा ना। चलो अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब एक वेवीकरण मेथड आएगा बच्चों, है ना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। इसके सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है वो तुम एक बार देखो ध्यान से, एक बार रफली ऐसे देखते हैं अपन। ये नंबर लाइन मैंने बना दी, ये पॉइंट ले लो, एक तो आएगा 3 और 1 -3, तो नंबर लाइन पे -3 इधर रहता है और +3 इधर रहता है, ये दो पॉइंट अपन ने ले लिया, ठीक है। अच्छा बीच में तो बहुत सारे नंबर, -3 से छोटे, 3 से बड़े और इन दोनों के बीच के नंबर। अब इसको इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, चाहे यहाँ से हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से स्टार्ट हो जाता है।
तीन से बड़ा कोई भी नंबर लो, बोलो कोई भी चार रखो यहाँ पे, चार में से तीन गया तो एक, चार और तीन सात, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यू क्या रही है नेगेटिव, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है क्या बच्चों? चार में से तीन गया तो एक, चार और तीन सात, एक गुणा सात सात, क्या संतुष्ट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा तो माइनस का साइन लगा दो, नहीं करेगा साहब, है ना, संतुष्ट नहीं करेगा, माइनस का साइन मैंने लगा दिया। अच्छा माइनस तीन और तीन के बीच में कोई भी नंबर रखो, रखो बोलो क्या नंबर रखोगे, जीरो रखें, जीरो रखें तो बच्चों ये माइनस का तीन और ये प्लस का तीन, माइनस का नौ तो जीरो से छोटा होता, बिल्कुल सही है सर। एक नंबर और रख के दिखाओ, ऐसे क्या कर रहे हो आप, एक एक नंबर रख रहे हो केवल, एक रख के देखते हैं ना, एक रखो बच्चों तो एक रखेंगे तो माइनस का दो और प्लस का चार, माइनस का आठ, सर वो भी छोटा होता है यानी कि इसमें प्लस का साइन लगा दो। अब वैसे ही माइनस तीन से छोटे नंबर रखो, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि जहां जहां प्लस आ रहा है ना, यानी कि ये यहाँ पे लाई करेगा एक्स का मान, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक्स का मान माइनस तीन और तीन से बड़ा, तीन और तीन से छोटा। अब कोई मान रख के देख लो, माइनस तीन रखो तो नौ, ठीक है तीन रख के देख लो तो भी नौ, यानी कि जीरो जाएगा ना माइनस तीन और तीन पे, तो जीरो पे तो फंक्शन डिफाइन होगा, यानी कि इसके अलावा कोई भी मान होगा ना उसके लिए ये फलन हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इसकी प्रांत आ गई। क्या देख रहे हो, इसे प्रांत निकाल लिए अपन ने, यानी कि हम क्या बोलेंगे, इसका प्रांत बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है, जहां एक्स किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से, तथा एक्स का मान तीन और तीन से बड़ा, माइनस तीन और तीन से बड़ा, माइनस तीन और तीन से बड़ा और तीन और तीन से छोटा, ये हमारी प्रांत आ गई बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही आसान है, बात समझ में आई क्या, क्लियर है। अब अपने को निकालना बच्चों इसका परिसर, तो एक बार इसको नोट डाउन कर रहे हो तुम, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका परिसर अपन निकालते हैं अगली स्लाइड पे, वापस से सेम क्वेश्चन में लिख लेता हूँ बच्चों, ब्लैंक स्लाइड अपन ले लेते हैं इसके लिए, ये लीजिए, फलन हमारा क्या है, एफ एक्स बराबर नो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बच्चों क्या निकालना है हमारे को, परिसर। इसके लिए कुछ स्टेप्स तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ध्यान से देखो, हालांकि बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में 2.3 में प्रश्न बहुत कम दिए हैं, मतलब वैसे और सारी एक्सरसाइज में प्रश्न बिल्कुल इनफ है, पर्याप्त है, लेकिन इसमें थोड़े कम है, तो कोई बात नहीं, विविध प्रश्न वाला में से बहुत सारे प्रश्न अपन कर लेंगे, है ना। एफ एक्स बराबर अंडर रूट नो माइनस एक्स स्क्वायर का परिसर निकालना, तो जो परिसर क्या होता है, वाई के वे सभी मान, यानी कि वाई के वे सभी मान जिनके लिए एक्स क्या होता है, परिभाषित, यहाँ अपन ऐसे बोले बच्चों, x के सभी मान जिनके लिए y परिभाषित होता है, यानी कि फलन परिभाषित होता है, वो तो क्या कहलाता है, प्रांत, परिसर, y के सभी संभव मान, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, है ना, तो करें, तो बच्चों इसके लिए हमेशा एक स्टेप ध्यान रखो, पूरे फलन को, पूरे फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, y की फॉर्म में हमारे को लिखना है, यानी कि जहां पर x है वहां y आ जाना चाहिए। उसका तरीका क्या होगा, इसका पक्षांतरण करो, जैसे y के बराबर है ना, वैसे हमें किसके बराबर निकालना है, x के बराबर, तो पहली स्टेप y के रूप में फलन लिखना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। आ जाओ यहां पे क्या है, y बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो उधर लेके जाओ, y स्क्वायर बराबर 9 माइनस x स्क्वायर, तो बच्चों x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस y स्क्वायर, ये लो साहब इन टर्म्स ऑफ y पूरा फलन हमारे सामने प्रदर्शित है, पहली स्टेप हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम डोमेन निकाल रहे थे, प्रांत निकाल रहे थे ना, कैसे कि x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित है, वैसे अब क्या बोलेंगे, y के किस-किस मान के लिए फलन परिभाषित है, है ना, जैसे डोमेन निकाल रहे थे वैसे ये अपने को निकालना है। तो बच्चों अगर अपन वो निकालेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, किसके लिए परिभाषित होगा, सेम 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी होगा, यानी कि वही वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0, वाई माइनस 3 वाई प्लस 3, ठीक है, वही हम क्या बोलेंगे, वही हमारी नंबर लाइन हो जाएगी, यानी कि ये फलन कब परिभाषित होगा, माइनस तीन और तीन के बीच में होगा, एक सेकेंड,
अब ये आंसर नहीं है, अब यहाँ पर एक स्टेप तुम और करनी है जो थोड़ी क्रिटिकल होती है, जिसमें समझने में थोड़ी हमारे को समस्या भी होती है ना। अब इस इन वैल्यूज को आप डायरेक्ट फंक्शन में रख के देखो, यहाँ पे क्या y पॉसिबल है, है ना। अच्छा, क्या y का मान नेगेटिव पॉसिबल है क्या बच्चों? अंडर रूट का भी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना, क्या अंडर रूट का भी नेगेटिव आ सकता है क्या? जल्दी बोलो, हाँ ना, नहीं आ सकता ना। तो नेगेटिव वैल्यूज के अलावा जो भी बचेगा इसमें, वो हमारा आंसर होगा, यानी कि वो हमारा परिसर होगा, यानी कि हम लिखेंगे इस बात को। अब मैं बोल रहा हूँ लेकिन तुम्हें लिखना है, क्या लिखना है? वाई एक वर्गमूल फलन है, अतः है ना वाई का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, अर्थात परिसर क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो और जीरो से बड़ा, तीन और तीन से छोटा, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख देंगे परिसर के लिए फाइनल। थोड़ा और तुम्हें माहौल बना के लिखना है, तो वाई जहां वाई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जीरो और जीरो से बड़ा और तीन से छोटा, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? तो कर लेंगे, बहुत आसान है। पहली स्टेप, y की फॉर्म में पूरे फंक्शन को लिख दो, उसके डेमोन उसके डोमेन निकाल लो, फिर एक बार वापस हमारे एग्जैक्ट फलन पे जाओ कि वो उसको परिभाषित कर रहा है क्या, क्या y के मान वो आ सकते हैं क्या, उनमें से जो जो आ सकते हैं वो ले लो, जो जो नहीं आ सकते उनको हटा दो। जैसे मैंने देखो वही देखा, माइनस तीन और तीन, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज की पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यूज को मैंने साइड में हटा दिया, बची कौन सी? जीरो से लेकर तीन तक, ये हमारा परिसर आ गया। तो क्लियर है क्या बच्चों? बहुत आसान है, इसको दोबारा बिना देखे करो। और भी प्रश्न करेंगे विविध प्रश्नमाला में, अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न करेंगे तुम्हारी प्रश्नावली के, एक बार इनको ढंग से कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।